शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश लेने के नियमों में भारी बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने ये बदलाव किया है और इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आकस्मिक अवकाश लेने के लिए शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षकों को विभाग के जो नियम बनाए गए हैं उसको पालन करना होगा, अन्यथा की स्थिति में विभागीय कार्रवाई हो सकती है। विभाग ने आकस्मिक अवकाश के नियमों में बदलाव किया है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, संजीव समीर लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए एक और आदेश जारी किया है। नए आदेश में शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश के विषय में आदेश जारी किया गया है। आकस्मिक अवकाश के संबंध में कहा गया है कि शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश लेने के लिए 2 दिन पूर्व ही अपने प्रधान से आवेदन स्वीकृति कराना अनिवार्य होगा। जिस प्रारंभिक विद्यालय में 1 से 5 शिक्षक कार्यरत हैं, उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक मात्र 1 शिक्षक को ही आकस्मिक अवकाश में रहने की अनुमति प्रदान करेंगे अथवा स्वीकृत करेंगे। जिस विद्यालय में 5 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मात्र 2 शिक्षकों को ही आकस्मिक अवकाश में रहने की अनुमति दे सकते हैं। विषम परिस्थिति में 2 से अधिक शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश देने के लिए प्रधानाध्यापक को अपने नियंत्रित पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाए जाने पर ऐसे शिक्षकों को बिना सूचना अनुपस्थित मानकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी DEO, DPO ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। खबरों में बस इतना ही। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा विभाग की खबरों से अपडेट रहने के लिए संजीव समीर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।